नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF और CISF का जो एग्जाम था GD कांस्टेबल का 12 अप्रैल 2020 के लिए, जो कि दोस्तों कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके लिए देंगे और इस वीडियो को पूरा देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए जो नई डेट निकल कर आ रही है BSF की तरफ से, उसको भी हम आपके लिए बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि अभी हम इस समय आ चुके हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि दोस्तों BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहां पर आप अगर देखेंगे यहां पर रिक्रूटमेंट में जाके, तो रिक्रूटमेंट में आप जाएंगे तो आपको दूसरे नंबर मिल जाएगा यहां पे रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन रैली मोड टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD मेल और फीमेल इन BSF एंड CISF। तो दोस्तों, BSF और CISF में जो GD कॉन्स्टेबल की मेल और फीमेल की जो पोस्ट थी, उसका जो एग्जाम होना था वो 12 अप्रैल 2020 के लिए शेड्यूल किया गया था BSF की तरफ से, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के चलते इस एग्जाम के लिए अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम BSF की तरफ से नोटिस, जो कि 1 अप्रैल 2020 के लिए इस वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। तो इस नोटिस को मैं पहले से ही दोस्तों डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं खोल देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, जिससे आपके लिए ठीक से पढ़ने में आए। तो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये दोस्तों नोटिस दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ऑल कैंडिडेट्स हु वर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PhD एंड PET हेल्ड इन दी मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2019। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि ऑल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड डिक्लेयर किए गए थे PET और PhD में, जो कि नवंबर और दिसंबर 2019 में हेल्ड किया गया था, तो उनका जो दोस्तों एग्जाम होना था 12 अप्रैल 2020 के लिए, उसके बारे में ये नोटिस है। तो मैं इस नोटिस को पहले आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में अगर आपके पास में कोई सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं, और इस नोटिस का जो है वो हिंदी में भी आपके लिए पूरा अनुवाद करके बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं, ऑल कैंडिडेट्स हु वर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PhD एंड PET हेल्ड इन दी मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2019 इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट इन रैली मोड टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD मेल एंड फीमेल इन BSF एंड CISF इन द UTs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डिविजन्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सैड रिक्रूटमेंट विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12 अप्रैल 2020 संडे के लिए एट वेरियस रिक्रूटमेंट सेंटर्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन्स विल नॉट बी हेल्ड ऑन 12 अप्रैल 2020 इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस। सेकेंड पैराम दोस्तों दिया गया है यहाँ पे, द रिशेड्यूल्ड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द वेन्यू will be published on BSF official website in the due course of time for the information of all candidates. Candidates are therefore advised to visit BSF official website regularly for any update in this regard. तो दोस्तों, ये है जो नोटिस वो कमांडेंट रिक्रूटमेंट के द्वारा साइन किया गया है BSF के कमांडेंट रिक्रूटमेंट 31 मार्च 2020 के लिए, और ये BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 अप्रैल 2020 के लिए अपडेट किया गया था। तो दोस्तों, अभी तक इस नोटिस से आपका ये तो क्लियर हो चुका है कि CISF और BSF में जो GD कांस्टेबल मेल एंड फीमेल की जो 12 अप्रैल 2020 के लिए रिटर्न एग्जाम होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। और दोस्तों, जो इसकी नई डेट होगी वो आपके लिए BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डेट निकल कर आ रही है वो अभी तक कहना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी जो है वो रोकथाम का उपाय नहीं हो पाया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के बाद ही कुछ ना कुछ जैसे ही अपडेट आएगी, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक वो डेट पहुँचा दूंगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।